झाड़ू लगाने पर हेमा का उड़ाया मजाक, अब हाथ जोड़ माफी मांग रहे हैं धर्मेंद्र। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी पिछले दिनों संसद परिसर में स्वच्छ भारत अभियान के तहत नौसिखिए अंदाज में झाड़ू लगाने की वजह से ट्रोल हुई थीं। उनके झाड़ू एक्ट का लोगों ने खूब मजाक उड़ाया था, कई सारे मीम्स भी बने थे। उनके पति धर्मेंद्र ने भी इस पर रिएक्ट करते हुए कहा था कि हेमा झाड़ू लगाते हुए अनाड़ी लग रही थी, मगर अब लगता है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ऐसे शब्द इस्तेमाल करने का धर्मेंद्र को पछतावा हो रहा है। तभी तो धर्मेंद्र ने ट्विटर पर झाड़ू एक्ट पर किए गए ट्वीट के लिए हाथ जोड़ माफी मांग रहे हैं। धर्मेंद्र ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वे हाथ जोड़ कर माफी मांगते हुए दिख रहे हैं। कैप्शन में एक्टर ने लिखा, कुछ भी कह बैठता हूँ, कुछ भी की भावना को, कुछ भी समझ बैठते हैं यार लोग। ट्वीट बादशाह, कुछ भी किया बात झाड़ू की भी, तौबा तौबा, कभी ना करूंगा, हमका माफी दई दो मालिक। धर्मेंद्र के इस माफीनामे से लगता है कि वे हेमा मालिनी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। संभव है धर्मेंद्र के झाड़ू एक्ट पर दिए जवाब से हेमा मालिनी को ठेस पहुंची होगी। दूसरी तरफ धर्मेंद्र के माफी ट्वीट पर लोग मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, सर आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, फैंस कैसा भी सवाल करें आप सच्चा जवाब देते हैं, आप दिल के अच्छे हैं। इससे पहले भी जब एक्टर ने हेमा को ट्रोल किया था तब भी फैंस ने उनकी सच्चाई को इंस्पायर किया था। सारा मामला तब शुरू हुआ जब एक फैन ने धर्मेंद्र से हेमा मालिनी के झाड़ू एक्ट पर पूछा कि सर मैडम ने कभी जिंदगी में झाड़ू उठाई क्या। जवाब में धर्मेंद्र ने कहा था, हाँ फिल्मों में मुझे भी अनाड़ी लग रही थी मैंने, मगर बचपन में अपनी माँ का हमेशा हाथ बंटाया है, मैं झाड़ू में माहिर था। मालूम हो संसद परिसर में हेमा मालिनी के साथ बाकी मंत्रियों ने भी झाड़ू लगाई थी, लेकिन इकलौती हेमा ही ऐसी थी जिन्हें ट्रोल किया गया। उन्हें देखकर साफ लगा था कि वे झाड़ू नहीं संभाल पा रही हैं।